इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर दरअसल एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सॉल्व कर सकती है मुश्किल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारी डेली लाइफ के, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं। कंप्यूटर वो मशीन है जो कि उसे आसानी के साथ सॉल्व कर लेती है। इसके अलावा ये डाटा स्टोर कर सकती है और स्टोर किए हुए डाटा को हम किसी भी वक्त हासिल कर सकते हैं, यानी कि उसे हम रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो कि इंसानी दिमाग के लिए करना काफ़ी मुश्किल होता है, ये काफ़ी तेज़ी के साथ और काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकती है। इस तरह की मशीन को कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर जो है ये लफ्ज़ निकला है लैटिनी जबान से, लैटिन जो लैंग्वेज है वहाँ से ये लफ्ज़ निकला है और इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या काउंट करना। अब हम इसको समझते हैं कि जो कंप्यूटर जो एक मशीन है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। पुराने ज़माने में जब इंसानी दिमाग ने कैलकुलेशन करनी होती थी या काउंटिंग करनी होती थी तो उसे ज़रूरत पड़ी एक ऐसी मशीन की जो ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा तेज़ी के साथ ऐसा काम कर सके। तो पुराने ज़माने से ही इंसान की कोशिश थी कि इस तरह की एक मशीन बनाई जाए। तो 1940s के अंदर एक का जो वक्त था यहाँ पे इंसान कामयाब हुआ एक ऐसी मशीन तैयार करने में जो कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत तेज़ी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती थी। यानी पहला जो प्रोफेशनल कंप्यूटर आया वो 1940 में आया। इससे पहले भी कंप्यूटर्स आते रहे लेकिन वो कंप्यूटर जो थे वो इतने फास्ट नहीं थे, उतने तेज़ नहीं थे और उसके बाद से कंप्यूटर की डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। अब हम समझते हैं इसको एक डायग्राम की मदद से। इस तरह में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक कंप्यूटर दिखाया गया है। ये कंप्यूटर जो है एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। कंप्यूटर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब हम इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से ये इतना एफिशिएंटली, इतना तेज़ी के साथ काम कर सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड और माउस। ये दो हमारे पास डिवाइसेज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं डेटा को कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो लफ्ज़ इनपुट है इसका क्या मतलब होता है। लफ्ज़ इनपुट का मतलब होता है कि हम कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि हम उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकें। मिसाल के तौर पे ये दो नंबर्स हमारे पास 2 और 3, ये दो नंबर्स हैं 2 और 3। इन दो नंबर्स को मैं प्लस करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 जो है इस कीबोर्ड की मदद से इनपुट देना पड़ेगा और ये इनपुट जो है ये पहुंचेगा इस सिस्टम यूनिट तक। ये जो सिस्टम यूनिट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। इस सिस्टम यूनिट तक ये इनपुट पहुंचेगा, यानी 2 प्लस 3 की जो कमांड है वो इस सिस्टम यूनिट तक पहुंचेगी। इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक चिप लगी होती है जिसको हम CPU कहते हैं। ये CPU हमारे हाथ के हथेली के साइज़ के बराबर होती है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। ये चिप इसके अंदर लगी हुई होती है। ये चिप क्या करती है, हमारी इस इंस्ट्रक्शन को, हमारी इस हिदायत को या हमारी इस इनपुट कमांड को प्रोसेस करेगी और प्रोसेस करने के बाद हमें इसका जो रिज़ल्ट आएगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आउटपुट करवा देगी इस स्क्रीन पे जिसको हम LCD कहते हैं। इसे हम LCD कहते हैं। ये आउटपुट डिवाइस होती है, यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आप देखेंगे 2 प्लस 3 का रिज़ल्ट आएगा 5, यानी 5 जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से एक कंप्यूटर काम करता है कि पहले इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें कोई ना कोई आउटपुट देता है। अब हमारे पास ये जो इनपुट होता है, ये जो डाटा होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास सिर्फ नंबर्स की शक्ल में हो। ये डाटा ये हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है, यानी हम कोई नेम या कोई जगह का नाम या कोई लाइन या कोई पैराग्राफ जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं वो टेक्स्ट की शक्ल में भी हो सकता है। इसके अलावा जो डाटा है वो पिक्चर की शक्ल में भी हो सकता है, यानी हम कोई पिक्चर लेते हैं और वो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इसी तरह हम साउंड जो है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं, या साउंड जो है वो हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। वो अलग-अलग बात है कि पिक्चर के लिए या साउंड के लिए जो इनपुट डिवाइस है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है, जो कि आगे चल के हम इनपुट डिवाइसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो डेटा हमसे लेता है इनपुट के तौर पर वो मुख्तलिफ शक्ल का हो सकता है। एक बात यहाँ पर आपको बताना ज़रूरी है कि कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करता है बाइनरी लैंग्वेज में,
यानी कि 1-0 की जो लैंग्वेज है उसके अंदर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, डाटा जो वो हमसे रिसीव करता है वो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है, और उसके बाद कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है 1-0 की लैंग्वेज में, और उसके बाद हमारा जो सीपीयू है उसको प्रोसेस करता है। तो ये एक ओवरऑल एक ओवरव्यू है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर दरअसल होता क्या है और वो किस तरह से काम करता है। ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर सिर्फ इस शक्ल में हो, आपके आसपास जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी आपके पास डिवाइसेज हैं जो कि कंप्यूट कर सकती हैं, कैलकुलेट कर सकती हैं, जो इनपुट ले सकती हैं, डाटा स्टोर कर सकती हैं, इस तरह की तमाम डिवाइसेज कंप्यूटर कहलाती हैं। अब हम कंप्यूटर के फंक्शन को थोड़ा सा और डेप्थ में, गहराई में समझने के लिए इस डायग्राम को जरा देखें, तो यहां पे हमें बात समझ में आ जाएगी कि इस डायग्राम के अंदर ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है, यहां पे कुछ इनपुट डिवाइसेज नजर आ रही हैं आपको, यानी कीबोर्ड, माउस या जितनी भी और डिवाइसेज हैं, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया या कैमरा हो गया, ये आपके पास इनपुट डिवाइसेज होते हैं जिसके जरिए आप इनपुट डेटा पहुंचाते हैं कंप्यूटर तक। ये जो आपको बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दरअसल सिस्टम यूनिट है। इस सिस्टम यूनिट के अंदर ये सीपीयू लगा हुआ है और सीपीयू के अंदर ये मेमोरी लगी हुई है। यहां से डेटा मेमोरी में सेव होता है और मेमोरी इसको पहुंचा देती है सीपीयू के पास, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और वापस मेमोरी को भेज देता है, और मेमोरी यहां से उस प्रोसेस डेटा को पहुंचा देती है। ये जो डिवाइसेज आपको नजर आ रही हैं ये आउटपुट डिवाइसेज हैं, यहाँ पे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये तमाम वो डिवाइसेज हैं जो कि आउटपुट डिवाइसेज कहलाती हैं। तो इस डायग्राम से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि एक बुनियादी तौर पर एक कंप्यूटर काम किस तरह से करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि कंप्यूटर हम किसे कहते हैं।